देखिए यहाँ पास ऊपर में प्लस माइनस लिखा रहेगा, ठीक है। और इस साइड भी 12 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट यहाँ पास डायरेक्ट कैपेसिटर पे दे दिया मैं, ये हो गया। उसके बाद सीरीज लगा लेना डायरेक्टली। देखिए इसके बाद मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके तो चलिए मैं इसको लगा के देखता हूँ। स्विच को ऑन कर रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों बीप बज गया, मतलब हमारा सर्किट चालू हो चुका है और रिले भी ऑन हो गया। हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। थंबनेल में देख रहे हो दोस्तों आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग फ्रिज का पीसीबी का रिपेयर करेंगे। तो इसी साइड है पावर साइड है, इस साइड भी कुछ कुछ ख़राब है, तो वीडियो में पूरा बता दूंगा। पहले ये इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, नहीं भी मतलब बीच का है ना, फुल्ली इन्वर्टर नहीं है ना, इन्वर्टर नहीं है, खाली पीसीबी आपका है। जैसे नॉर्मल में अपना टाइमर रहता है और आपका बायोमेट्रिक थर्मीटर, इसमें सब है लेकिन टाइमर नहीं है, टाइमर जगह पीसीबी दे दिया है। ओके लेकिन नॉर्मल कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है। इन्वर्टर कंप्रेसर को डीसी कंप्रेसर बोलते हैं, ब्रशलेस, बहुत सारे नाम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो आज पीसीबी की नॉर्मल और सब में सेम टाइप की रिपेयर होता उतना नहीं है, लेकिन वो वाला में क्या होता है जिसमें एसटीआर लगा रहता है, एसटीआर बोलते हैं, बहुत सारे आईसी बोलते हैं, बहुत लोग कोई केकड़ा आईसी बोलते हैं, उस आईसी का नाम एसटीआर है लेकिन उसका भी नाम बहुत सारे रख लिए सब लोग, मतलब है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे कि कैसे रिपेयर होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जाना, तो डिसलाइक कर देना वो आपके ऊपर है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो इसको खोल लेते हैं, मैं इसका रिपेयर हर टाइप से बताने वाला हूँ। पहले देख जान लीजिए दोस्तों, ये आपका जो पावर आईसी है ये ख़राब हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा मार्केट, तो भी रिपेयर कर सको, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, मॉडलर लगा के बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहे, थोड़ा लंबा जाने वाला वीडियो। ओके तो मार्केट में देखिए, पहले मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ एक बार, मैं ही किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है। इसका कारण क्या था मैं बताते जाता हूँ। तो इसमें क्या था, एक रेजिस्टेंस लगा था यहाँ पास 10 ओम का, जो 1 वाट का था। तो यहाँ फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें फ्यूज़ लगाया हमें, तो फ्यूज़ ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ लगाया हमें, तो फ्यूज़ भी लगा सकते हैं डायरेक्टली जो फ्यूज़ मारे हुए हैं। उसके बाद डायोड, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ ख़राब था, ब्रिज रेक्टिफायर भी मेरा शॉर्ट निकला, तो डायरेक्ट 2 डायोड से भी यूज़ हो जाता है, 4 डायोड चाहे तो 4 डायोड भी, लेकिन प्लस माइनस को आप ध्यान देना। बहुत लोग बोलते हैं कि वाइट साइड माइनस रहता है, ब्लैक साइड प्लस रहता है, ये गलतफहमी मत रहना कोई भी। जो वाइट साइड है वो प्लस है और कैपेसिटर जस्ट उल्टा रहता है, जिससे वाइट साइड रहता है वो माइनस रहता है और ब्लैक साइड रहता है वो प्लस रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है। ओके ये चीज़ को थोड़ा समझ के रखना, नहीं बहुत सारे कमेंट आते हैं तो भाई कि आप उल्टा जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, भाई ये रियली है। तो जो वाइट साइड है वो प्लस है। ओके तो प्लस को ध्यान देंगे, साइड प्लस देना जिसके कैपेसिटर साइड प्लस था, और ये माइनस जो आपका कैपेसिटर का, देखिए ये वाइट साइड है उस साइड ये ब्लैक है, तो डायरेक्टली जोड़ दिए, कुछ उसने नहीं किए। और ये बोलेंगे भाई 2 डायोड से काम नहीं करता, बहुत लोगों का कमेंट भी आएगा, मेरे को पता है भाई, बहुत पीसीबी बनाता हूँ मैं, बहुत सारे लगाता हूँ और 100% वर्क करता है ये। ज़्यादा जुगाड़ में एसी वाले पीसीबी भी करते हैं हम लोग, बहुत सारे जो मेरे गुरु हैं वो बताते हैं कि एसी डाल दे, मेरे को नहीं, मैं भी जो आपका मन में क्वेश्चन है वो मेरे भी मन में रहता है, लेकिन जब से वो बताएं कि 2 ही डाल देना बोल के, तो 2 डालते हैं तो पीसीबी बन के जाता तो आता नहीं आपस, आपस आता का मतलब समझ जाते कि ये भाई ये सक्सेस नहीं है, लेकिन आता ही नहीं है, तो इसलिए सक्सेस, इसलिए मैं अब यही डाल देता हूँ, काम कर देता है। लेकिन एक मत डालना ना, 2 ही डालना है, 2 या 4 डालें तो अच्छा काम करता है। ओके तो ये हो गया। इसके बाद डायरेक्ट जब भी पीसीबी, कोई सा पीसीबी चेक करते हैं उसको सीरीज से चेक करते हैं, वो जो चेक करते हैं मेरे को पता है, सबको पता होगा, थोड़ा मैं वीडियो को ज़्यादा डीपली ले जा रहा हूँ, जो नए नए, तो शुरू सीरीज से चेक किया तो भी शॉर्ट बताया, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दे, चल दिया। उसके बाद इधर भी ये जो डायोड है ना, इधर इस साइड सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड का डायोड, ये वाला डायोड ये भी शॉर्ट था, तो इसको भी बदल दिया मैं, ठीक है। तो इसको बदलने के बाद तो भी शॉर्ट नहीं हटा, तो VDR PF सब चट्टे वट्टे एक दूसरे के, तो उसके डिटेल पढ़ेंगे तब पता चलेगा, आपको भी बताऊंगा कभी ना कभी, ये तो चीज़ है। ओके तो इतना हो गया। ये जाने के बाद इधर उधर सब सेक्शन चेक किया, उसके बाद पता चल रहा कि मेरा पावर आईसी ही ख़राब है और मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो भी रिपेयर करेंगे, डायोड चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, कैपेसिटर फटा है कि नहीं फटा ये चेक कर लेना, उसके बाद यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेना, इतना तो मामूली सब चेक कर ही लेंगे, और ख़राब रहा तो बदल देंगे, तो उतना में आपका जो फ्रिज का पीसीबी है उतना में सही हो जाएगा, 100 to 100% इतना ही रहता है। कभी इस साइड ख़राब रहता है तो इस साइड ख़राब रहता है, एक रहता है लेकिन इसमें दोनों साइड ख़राब है, तो मतलब क्या निकला, ये ख़राब है ये बदला, तो ट्रांसफार्मर भी भरोसा नहीं है कि सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मारा है यहाँ पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को जलाया, उस तरीके से मैं बोल सकता हूँ ट्रांसफार्मर भी 50-50% है, मेरा 50% लगा कि ट्रांसफार्मर भी ख़राब है। ओके तो इस तरीके से क्या करेंगे, जब आपको कंफर्म लगे कि ट्रांसफार्मर आपका सही है, तो एसटीआर वाला
मॉड्यूल आता है मेरे पास, अभी दो मॉड्यूल है, चार चार मॉड्यूल आता है, एक एसटीआर वाला आता है, एक डायरेक्ट तीन तार वाला तो वो ट्रांजिस्टर वाला रहता है, और एक मॉड्यूल ये है, और एक अपना ये देसी जुगाड़ है 12 वोल्ट डायरेक्टली। तो इस बारे में आप लोग देख लो, इधर मैं थोड़ा बक दिया इधर उधर बोल दिया, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इतना को, ये आपको सक्सेस नहीं हुई है जो रिपेयर किए, ये ख़त्म, इधर का आपको सही है, इस साइड का आपको सही है, आईसी उसी फूटा नहीं है, सब दिख रहा है आपको सही है, इधर ख़राब नहीं होगा मेरे को भी पता जल्दी से, क्योंकि दिख नहीं रहा है, नहीं तो ख़राब होता तो थोड़ा फूला फला या थोड़ा जला वला दिखता है, और इधर का ख़राब है तो आपका किस्मत ही ख़राब समझो, ये पीसीबी बनेगा ही नहीं, फेंक देना, क्योंकि आईसी मिलना नहीं आपका, इसको मॉसफेट भी बोल सकते हैं, रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, जो भी होगा उसको नंबर पर आपका गूगल में सर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि मॉसफेट है कि रेगुलेटर, मैं अभी चेक नहीं किया इसलिए नहीं बता सकता क्या है वो। ओके कि वो स्विचिंग का काम करेगा, इसको ट्रैक को भी नहीं देखा, स्विचिंग का काम करेगा तो मॉसफेट है, और आपका रेगुलेटर करेगा तो रेगुलेटर आईसी है जो 5 वोल्ट के लिए करता है, क्योंकि आईसी लोगों को 5 वोल्ट ही चाहिए रहता है, आपको पता है जितने भी आईसी मैं देखा हूँ जो 5 वोल्ट से ही काम करता है, जो चीप आईसी रहता है, ब्लूटूथ किट रहा है, अदर जो भी किट रहता है वो। ओके तो उसको दे अभी ट्रैक नहीं किया हूँ मैं, इधर ही का देखा हूँ, तो इतना मैं देखते ही पता चला कि ये ब्रिज एक्टिव रहा, ये ख़राब है, उसके बाद देखा कि आपका पावर आईसी ख़राब है, उसके बाद होता है एक मॉड्यूल एसटीआर वाला आता है, एसटीआर वाले में 5 वायर आता है, एसटीआर वाला में जो 5 वाला आता है डायरेक्टली दिखते हैं एसटीआर, तो उसको लगाने का क्या वो रहेगा, सबसे पहले कपलर ज़रूरी है, जैसे इस पर कपलर है तो एसटीआर वाला लग जाता है इसमें, मैं लगा के दिखा दूंगा ये मेरे को सही लगेगा, तो एक और किट है मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उसमें एसटीआर वाला आपको दिखा दूंगा जब आपका कमेंट रहेगा तब, कमेंट रहेगा तब। ओके तो एसटीआर वाले में कमेंट रहना चाहिए, तो 5 वायर रहेगा, ये 2 वायर का, 1 वायर जाता है आपका इसमें, और बहुत सारे होते हैं, मैं चीज़ बता दूंगा आप लोगों को जब उसका कनेक्शन करूँगा एसटीआर वाले में, उसमें क्या रहेगा आपका ये ट्रांसफार्मर भी यूज़ होगा, हर चीज़ यूज़ होगा इस चीज़ का, मतलब खाली आपका पावर पावर आईसी निकल जाएगा, उसके बाद सब खाली इसी का होगा, मेरे को डाउट था कि ट्रांसफार्मर भी ख़राब होगा, बोल के मैं इस सब का मॉड्यूलर का यूज़ कर रहा हूँ, ये आपका मॉड्यूलर देख सकते हैं, ये मॉड्यूलर आ गया आपका। ओके तो यहाँ पास देख सकते हैं क्या निकाला है, ये आपका ये मॉड्यूलर आपका इंडक्शन में भी लगता है, इंडक्शन में आप लोगों को ये मॉड्यूलर लगाने नहीं आता होगा, कमेंट बताना, मैं इंडक्शन में मॉड्यूलर लगा बता दूंगा, जो आपका पावर सेक्शन ख़राब रहता है ना, जैसे 5 वोल्ट डिस्प्ले में जाता है, स्विचिंग करवाता है बहुत सारे को, और फैन को भी स्विचिंग, मतलब फ़ैन को भी वोल्टेज यही देता है, डिस्प्ले फैन दोनों 18 और 5, इसमें क्या कह दिया 5 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट आपका इंडक्शन का फ़ैन के लिए, 5 वोल्ट आपका जो बोर्ड आपका पैनल रहता सामने उसके लिए, ये बोर्ड उसी में काम आता है, मैं उसी में लगाता हूँ इंडक्शन में, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है कि जगह ज़्यादा नहीं है, तो ये छोटा वाला इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है इसके हिसाब से लग जाएगा, कैपेसिटर देख के पता चलता है कि ये आपस 560 वी का है, मतलब कम से कम 500 mA से 1 एम्पियर डालेंगे तो इसमें अच्छा सा वर्क कर लेगा, 500 mA भी वर्क कर लेगा, 1 एम्पियर भी वर्क कर लेगा, सही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 500 mA वर्क नहीं किया तो आपको रिले 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 के ही हम रिले को चलाने के लिए हम लोग को एम्पियर की ज़रूरत रहता है, जैसे 500 mA में रिले चल जाता है 100-100% मेरे को पता है, लेकिन कभी कभी नहीं चला तो आपको 1 एम्पियर लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये रहा, आप देख सकते हैं 1 एम्पियर का अडाप्टर है 12 वोल्ट, सिर्फ 12 वोल्ट, ये आप सोचेंगे भाई 5 12 18 है, तो भाई सर्किट को देख के पता चलता है आपको कौन सा रेगुलेटर लगाना है, जैसे इसको 12 25 चाहिए रहेगा तो आप एसटीआर वाला रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से समझ लेना, एसटीआर वाला मतलब 5 वायर रहेगा उसमें उसका, और उसको लगाने का एक ही है, जब आपका कपलर सर्किट में रहेगा तब एसटीआर वाला मॉड्यूल लगेगा, और कपलर नहीं रहेगा तो एसटीआर वाला मॉड्यूल नहीं लगेगा, और पीछे पलटा के देखेंगे तो ये आउटपुट में कितना वोल्ट आ रहा है आपको, ये सबसे पहले चीज़ देखना है, तो देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर है, एक ही जा रहा है, आप ट्रेस करेंगे तो ये देखिए इसमें एक जा रहा है, और यहाँ से जम्पर होके एक, मतलब 12 वोल्ट इसमें से निकला है, 12 वोल्ट हम लोग कैसे पता चला तो उसके मैं एक रीजन बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 25 वोल्ट लिखाया है, 680 हुए, 25 वोल्ट 600 जस्ट आधा था, यू भी आधा होता है आपका वोल्ट भी, मतलब 25 वोल्ट है जस्ट आधा कर देंगे तो 12 वोल्ट, 12 से 14 वोल्ट इसमें जाएगा तो आपका ये वर्क करेगा, और एक ही सेक्शन निकल रहा है, दो सेक्शन नहीं, किसी किसी में 12 वोल्ट 5 वोल्ट 18 वोल्ट, बहुत सारे अंतर अंतर, जैसे आधा आधा में देखो मैं 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जाता अलग अलग, लेकिन इसमें क्या हो रहा है मेरे को ये अब लग रहा है कि ये रेगुलेटर ही है जो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके आईसी को दे रहा है, तो 12 वोल्ट सिर्फ देंगे तो हो जाएगा,
जैसे कभी कभी होता है, जैसे मैंने शुरू बताया कि ये एम्पियर इसमें कम लगेगा, तब आप इसको लगाएंगे। तो इसको खोलेंगे, ये देखिए चार्जर सर्किट टाइप का छोटा सा है, इसी साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, तो कोई सा भी लग जाएगा। अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मेरे को भी पता है, ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ भाई, डिटेल में डीपली में जाना था, आप लोगों को समझाना था, इसलिए मैं इतना बोला, नहीं तो शॉर्टकट में भाई दो तार कहाँ लगता है, दो तार ये सब लोग वैसे ही बताते, दो तार जोड़ना मतलब एक सर्किट को बनाना, और जो मैं बताया हूँ अभी वो आप कोई सा भी सर्किट रहे आपका फ्रिज का, अब उस इस जैसा बताएं उसी टाइप से देखना, आपका सर्किट बन जाएगा, बस एक बार कोशिश करके देखना। ओके, अब इसको लगाते कैसे, कोई सा भी मॉड्यूल रहता है, मैं ये दो मॉड्यूल का ही लगाने का बता रहा हूँ आपका डायरेक्ट। जैसे इसका 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट का मॉड्यूल लगाएंगे, और जैसे 12 5 का रहेगा तो इसको भी लगा देंगे, और इस अभी जगह इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन 12 और 5 जैसे 12 और 5 चाहिए इसको सर्किट को अलग से, तो अब ये नहीं लगेगा आपका। ओके, तो उसको इसी को आपको लगाना पड़ेगा, और जैसे 12 और 5 चाहिए तो ये 100% उस जगह में लग जाएगा। ओके, और अभी की सिचुएशन में ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए अभी। तो लगाने के लिए आपको ये आपको पावर आईसी उसको निकाल देंगे, या ट्रांसफार्मर को निकाल देंगे, दोनों में से एक निकाल देना आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे निकालने में, मतलब सुविधा बने। किसी किसी को लगता है ट्रांसफार्मर भाई निकलता नहीं है जल्दी से, तो ट्रांसफार्मर निकाले या इसको निकाले, तो मैं ट्रांसफार्मर का ही निकाल देता हूँ, ज़्यादा मैं दिक्कत नहीं लेता हूँ, इधर का भी कट हो जाता है, इधर का भी कट हो जाता है। ट्रांसफार्मर निकल गया, फिर जस्ट पलटाएंगे तो ये दो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर है ना, इसमें या इसमें, इस साइड है ना, और डायोड भी इस साइड। तो इसका क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें लिखाया होगा आपको जो भी मॉड्यूल रहेगा, ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब वाइट साइड, इधर ग्राउंड जोड़ देंगे, और 12 है, वह देखिए 12 वोल्ट लिखाया है यहाँ पास, ये 12 वोल्ट इसमें लिखाया होगा, और 12 वोल्ट डायरेक्ट जो कैपेसिटर के प्लस है उसमें ठोक देंगे। ये हो गया आपका आउटपुट साइड, 12 वोल्ट चल दिए इसमें सर्किट। अब इसमें 220 वोल्ट देना है आपको, यहाँ पास थोड़ा टेंशन जाएगी कि कैसा जोड़ू, क्योंकि यहाँ पास जेक है, जेक से आना रहने तो डायरेक्ट बोर्ड में जोड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको उठा देंगे, चाहे तो यहीं से जेड जोड़ सकते हैं, इसको निकाल देंगे यहाँ से, तो ये निकल जाएगा डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे आपस, ये दोनों निकल जाएगा ना, जहाँ से ब्रिक डायरेक्ट एसी जाता है ना, इसको दोनों को निकाल देंगे, एसी पास ही जोड़ देना है दोनों को तार को, सिंपल टू सिंपल, ये आपका पीसी भी वर्क करेगा 100%। और नहीं किया आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टा का, मेरे आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ी लेट से जब मैं इसमें लगा लिया था, ये वाला को देख सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान देंगे लगाते समय कैसे लगाना है। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ट्रांसफार्मर को मैं निकाल दूंगा, तो देखिए मैं ट्रांसफार्मर को निकाल दिया था, ये निकल गया। तो इसके बाद देखना कि पावर इससे डायोड आउट लगा रहता है, डायोड को भी निकाल देंगे अपने साइड से। देखिए जैसे मैं निकाल दिया डायोड को भी, जो मतलब एक साइड ही जुड़ा रहेगा, एक साइड पूरा निकल जाए, तो मैं एक साइड निकाल दिया, इधर कपलर भी था, कपलर का एक वोल्ट आ रहा था उसको भी निकाल दिया डायोड को भी, तो इधर का अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद इस साइड डीसी, इसमें भी डीसी जाता है ना, 220 जो 220 वोल्ट है ना डीसी जो बना रहता है इधर से, ये डीसी बना, देखिए जो मेन फिल्टर है यहाँ पर 220 वोल्ट का जो यहाँ से जा रहा है डायोड बन के 220 वोल्ट। अगर ब्रिज रेक्टिफायर सही है तो ठीक है, वहीं से इसको उठा के दे देना है आपको, पावर आईसी खराब है, ब्रिज रेक्टिफायर सही है तो वहीं से प्लस माइनस निकाल देना है। प्लस माइनस देख लीजिए, डायरेक्ट कैपेसिटर से निकाला हूँ, तो कैपेसिटर निकालने के बाद यहाँ पर ऊपर में प्लस माइनस लिखा रहेगा, ठीक है, और इस साइड भी 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट चाहिए था, 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट कैपेसिटर पे दे दिया मैं, ये हो गया। उसके बाद सीरीज लगा लेना डायरेक्टली, देखिए सीरीज लगा लिया था, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ सही चल रहा है कि चल रहा है। ओके, तो चलिए मैं इसको लगा के देखता हूँ, स्विच को ऑन कर रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों बीप बज गया, मतलब हमारा सर्किट चालू हो चुका है। और रिले वीडियो में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, तो डिसलाइक कर देना, वीडियो लंबा बन गया है, और ज़्यादा अच्छा लगता तो शेयर करना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।